है कि हमारा देश यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी के पूरी निर्भर करती है हमारे देश के किसानों पर यानी कि अन्नदाता। लेकिन अन्नदाता की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंचती, उनकी तकलीफ, उनके दर्द, उनकी शिकायतें उन पर होती है तो बस सियासत। जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियों को याद आते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे वादे, कोई उनका कर्ज माफ करता है तो कोई उन्हें और कर्ज देने की बात करता है, लेकिन कोई उनसे जाकर ये नहीं जानना चाहता कि आखिर किस तरह से उनकी खेती को सुगम बनाया जाए, कैसे उनकी पानी की समस्या, मौसम से जूझ रहा किसान, टिड्डियों से परेशान किसान को राहत दी जाए। लेकिन खबर हम रही है इस बार एक छोटी सी कोशिश की है ये जानने की कि आखिर हमारे देश का अन्नदाता क्या चाहता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता अर्पित बोडाना के पास, जिन्होंने तराना में जाकर तराना के किसानों से जानना चाहा उनकी क्या है स्थिति, कौन है जिम्मेदार और आखिर कैसे किसान को मिल पाएगी राहत। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं माँ अहिल्या की नगरी तराना में और माँ अहिल्या की नगरी तराना में और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश, और उसी बीच हम इनसे चर्चा करेंगे किसानों की परेशानियों को लेकर। लॉकडाउन में 22 मार्च जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जब से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहीं जब चुनावी मुद्दे आते हैं या चुनावों की बारी आती है, जब भी किसानों को याद किया जाता है, क्या है पूरा मामला, हम माननीय श्री ईश्वर सिंह जी पाटीदार साहब से इस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्पर्ध ही गाँव गरीब किसान के विकास के लिए, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें रही, तब तब लगातार किसान के हित में अनेक कल्याणकारी कदम उठाए, चाहे वो समर्थन मूल्य का मामला हो, किसान की आय दुगनी करने का मामला हो, किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी का मामला हो, और वर्तमान में जो परिदृश्य देखा जाए देश का, तो उस पूरे आज़ादी के बाद से आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के सिवाय अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने किसान की इतनी चिंता नहीं की जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी कर रहे हैं। आप सबको भली भांति मालूम है कि आज पूरे देश नहीं बल्कि विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी चल रही है, और इस कोरोना महामारी से भारत भी अछूता नहीं रहा, भारत के गांव गरीब किसान भी इससे अछूते नहीं रही। इसके बावजूद भी भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों से 127.5 लाख मेट्रिक टन गेहूँ खरीदा। ये छोटी मोटी बातें नहीं हो सकती है। एक तरफ जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, विषम परिस्थिति है, इसके बावजूद भी कोरोना महामारी से बचते हुए किसानों से गेहूं खरीदना, इसमें मैं निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसान भाइयों को जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में कोरोना महामारी से बचते हुए, उस समस्या से जूझते हुए अपना गेहूं शासन को उपलब्ध करवाया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इस बीच में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आई, किसानों को भी आई और सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी आई, कुछ परिवहन में भी तकनीकी दिक्कतें रही, कुछ अधिकारियों की भी कमियां रही, परंतु इसके बावजूद किसानों का हित खरीदी करने से बहुत अधिक हुआ, वो बाजार में लूटने से बचा और उससे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ मिला। आपकी बात करना, बिल्कुल आपने बताया किसानों को भारी बिल्कुल उनको समर्थन मूल्य दिया भी गया, वो बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि चुनावी जो मुद्दे आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी डेढ़ वर्ष पूर्व चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने लोगों के साथ छलावा किया था कि लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए थे कि 2 लाख कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, और उन्होंने मेरा ऐसा निवेदन है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तो एक तरफ किसानों को 1 लाख रुपए ऋण देते हैं, वो भी बिना ब्याज का देते हैं, और उस मूल में भी 10,000 रुपए कम भरना रहते हैं, और उन्होंने तो चाहे सोयाबीन का अपहलन का मामला हो, सोयाबीन पानी से गलने का मामला हो, या गेहूँ की फसल बर्बाद होने का मामला हो, चने की फसल बर्बाद होने का मामला हो, ओले से पाले से हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा में कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने का काम किया।
देखा जाए तो यदि उनकी प्रतिवर्ष की किसान को जो लाभ मिलने वाला है वो 2 लाख से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। और कांग्रेस ने तो हमेशा किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ छलावा किया। आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेस के शासन में आवास के लिए बांस बल्ली दिए जाते थे तो 2200-2300 रुपये दिए जाते हैं, आज मोदी जी 1.25 लाख रुपये पक्के मकान बना करके दे रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिसमें नीति और नियत साफ किस संगठन ने बिल्कुल बताया जो कांग्रेस कटाक्ष किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भी भारी परेशानी तो हुई है। अगर 10-10 दिनों से इंतजार भी करना पड़ा है और उसके विषय में आप क्या कहेंगे? किसानों को जय जवान जय किसान का जो नारा है केवल जमीनी हकीकत पर नहीं देखा जाता, इसको चुनावी मुद्दे आते हैं जब भी सरकारों को किसानों की याद आती है तो आप विषय को क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ऐसा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी सतत किसानों के लिए, गाँव के लिए, गरीब के लिए निरंतर अपनी योजनाएं धरातल पर उतारती है। हाँ, मैं मानता हूं कि जैसे कोरोना की वजह से अभी किसानों को गेहूं का जो समर्थन मूल्य पर खरीदा गया उसका पैसा अभी तक नहीं डल पा रहा है, कहीं डलने में दिक्कत आ रही है, कहीं माल उठा नहीं है, उसके कारण किसान को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, उसको खाद बीज लाना है। तो मैं माननीय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा जो अति शीघ्र किसानों के खाते में जो गेहूँ का खरीदी का पैसा है वो तत्काल डाल दें ताकि उनकी समस्या हल हो सके। धन्यवाद। जिस प्रकार हमारे श्री किसान नेता उनसे चर्चा की नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं माँ अहिल्या की नगरी तराना में, माँ अहिल्या की नगरी तराना में कृषि उपज मंडी तराना में हम खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जब से लॉकडाउन की 22 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत है, जब से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, सभी को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी बीच में हम बात करते हैं किसान समस्या को लेकर, तो किसान समस्या को लेकर आज हम खड़े हैं हमारे माननीय श्री भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय अशोक जी भक्त साहब और ग्रामीण मंडल से जुड़े हुए किसान नेता भी कह सकते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं अशोक जी भक्त साहब। हम इनसे चर्चा करेंगे किसान समस्या को लेकर कि लॉकडाउन की शुरुआत में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जो चुनावी दौर आते हैं जब भी सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो उनको इस समय किसानों की याद आती है, तो इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अशोक जी भक्त साहब से, सर सर्वप्रथम तो आपको खबर 100 न्यूज़ चैनल की ओर से आज आपका जन्मदिन है, आज जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और आज किसान समस्या को लेकर किसान बहुत परेशान है, किसानों को चाहे खाद की समस्या हो चाहे गेहूँ भारी घंटों घंटों 8-10 दिनों तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उससे क्या कहेंगे? डायल को बधाई शुभकामना। और दूसरी बात ये कि किसानों की समस्या जो है इसको हल करने के लिए जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है तो उन्होंने सबसे पहले ही कहा था कि किसानों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सेवक किसान मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है और वो सबकी समस्या हल कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि आपने कहा कि केंद्रों पर लंबी लाइन भी लगी, 11 केंद्रों पर खरीदी भी हुई, लेकिन भारी उपज हुई है। और उस उपज के कारण जहाँ पहले गेहूँ की उपज कम होती थी तो किसान के पास माल कम उत्पादन होता था, उसकी बात भगवान की कृपा हुई है उत्पादन भी ज़्यादा हुआ है, तो उसमें कुछ परेशानी तो हुई है, लेकिन सबका माल तुलवाने का जो वादा था एक एक दाना तुलवाने का वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलवाया है। और आपको ये भी बता दूँ कि पिछले 18 महीने में पूर्व जो सरकार रही है माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में घूमकर उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ़ करेंगे। माफ़ करना वो बड़े लोग हैं बड़ी बात है, लेकिन मैं किसान के साथ घूमता हूँ, किसान के साथ रहता हूँ, 10 दिन तो क्या, 10 महीने में भी वो कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। और किसान की जो दुर्दशा उनने की थी ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई है। सर आपने बताया किसान की समस्या, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से चुनावी दौर आते हैं चुनावी मुद्दे आते हैं चुनावी के नारे में ये लोग किसान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं जय जवान जय किसान, ये नारा केवल कहने को दिखाई देता है लेकिन जमीनी हकीकत में इसका कोई एहसास नहीं। आप जो बोल रहे हैं अर्पित जी कि किसानों के लिए सिर्फ चुनाव में ही याद किया जाता है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अपना बजट घोषित किया उसमें सबसे ज़्यादा भारी बजट ही किसानों के लिए है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि किसान नहीं
आम जनता के लिए भी सरकार कटिबद्ध है और उनकी सेवा में लगी हुई है। जहाँ किसान से भी 1,125 रुपए में समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदा है, वहीं आम जनता को 1 रुपये किलो भी दिया जा रहा है। आम जनता, मजदूर, व्यापारी, अधिकारी और किसान, इन सब की पूरी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। वहीं मोदी जी ने भी 2,000 रुपये देने का जो काम किया है, पूरे देश के किसान को दिया जा रहा है। भले किसी देश में, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन 2000 किसानों को सीधा उनका खाते में देने का काम किया है। तो किसानों के लिए तो सरकार नतमस्तक है, और किसान जब तक सुखी नहीं होगा, किसान जब तक सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, जब तक सरकार उनके लिए मदद करती रहेगी, और मदद करती है और करती भी रहेगी। तो आपने देखा कि हमारे विशेष संवाददाता अर्पित गोदाना ने किस तरह लोगों से, किसानों से उनकी स्थिति जाननी चाहिए। हमारे देश का अन्नदाता परेशान है, उसे खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की एक सुगम राह चाहिए। हम उम्मीद करते हैं अपने प्रदेश की सरकार से और हमारे देश के हर प्रदेश की सरकार से कि वो किसान के लिए खेती को फायदे का धंधा बना सके।